हाय ऑल टेंथ पास आउट स्टूडेंट्स, वेलकम इन इलेवंथ क्लास। ओके बच्चे, बेटा इलेवंथ इज द गोल्डन क्लास ऑफ लाइफ। इलेवंथ डिसाइड करेगी बेटा आपका फ्यूचर। जो भी एग्ज़ाम देना है बेटा आपको, ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेरियस सिविल सर्विस, इन सभी एग्ज़ाम पर बेटा इलेवंथ ट्वेल्थ का सिलेबस अपने क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। ओके गाइस, तो बेटा मैं रहंदाले सर, MCS पब्लिक स्कूल से, आपको केमिस्ट्री और समटाइम बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा। तो बेटा बात करेंगे हम लोग केमिस्ट्री की, इलेवंथ केमिस्ट्री, ध्यान देना बेटा। बेटा इलेवंथ केमिस्ट्री जान है जान। अगर आपको इलेवंथ केमिस्ट्री बन रही है तो ही ट्वेल्थ केमिस्ट्री बनेगी, इस बात को याद रखिए। मैं फिजिक्स या मैथ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केमिस्ट्री की अगर बात करूँ, केमिस्ट्री के नेचर की बात करूँ बेटा, यदि इलेवंथ में कहीं भी प्रॉब्लम है आपको केमिस्ट्री में, तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री तो आपके सर के ऊपर से ही जाना है। इस बात को अच्छे समझ लीजिए सब लोग। तो याद रखिए बेटा, इलेवंथ में हम जो प्रोवाइड करेंगे, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे आपको, वो स्टडी मटेरियल आपके ऑल इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एग्जाम्स में काम आने वाला है, ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स में काम आने वाला है। बड़े हम बहुत सी ऐसी थ्योरियां पढ़ाएंगे आपको जो शायद आपके बुक में ना हो, लेकिन हमें पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में काम आने वाली है। और एक बात समझ लो बेटा, सब लोग कान खोल के सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ। हेलो बेटा, अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है आपको। इलेवंथ ट्वेल्थ का सिलेबस आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ लीजिए, वही कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी है। तीन ऑब्जर्वेशन के साथ अगर आप इलेवंथ ट्वेल्थ केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी मैथ्स काउंट कर रहे हैं, तो सपोज आप इनडायरेक्टली मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे, सभी बच्चे? मेरे आज का इंट्रोडक्शन पीरियड है बेटा केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आज, इलेवंथ क्लास का पहला, और उसको इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यूस रखेंगे, और आप भी कंटिन्यूस चेक करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट में डाल सकते हो, उसको WhatsApp में हम लोग क्लियर करेंगे। ओके गाइस, तो बड़े इलेवंथ केमिस्ट्री ये समझ लो कि आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इलेवंथ प्लस ट्वेल्थ प्लस BSc प्लस MSc, इलेवंथ केमिस्ट्री जान है बेटा। यहाँ अगर चूक गए तो आगे आपको डिप्रेशन ही होना है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इलेवंथ केमिस्ट्री को जितनी एनर्जी वेस्ट कर सकते हो, जितना टाइम दे सकते हो, आपके लिए बेटा फ्यूचर के लिए गोल्डन चीज होगी। तो बात कर रहे बेटा इलेवंथ केमिस्ट्री, बेटा इलेवंथ से केमिस्ट्री डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, चाहे इलेवंथ केमिस्ट्री हो या ट्वेल्थ केमिस्ट्री हो बेटा, थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगी। आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बच्चे, फर्स्ट पीरियड बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा इलेवंथ ट्वेल्थ में जो केमिस्ट्री है वो थ्री पार्ट में डिवाइड होती है बेटा, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा इन इलेवंथ पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स है, जनरल केमिस्ट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट, ये टेक्स्ट बुक में बेटा आपका पहला चैप्टर है जनरल केमिस्ट्री, द रूल ऑफ जनरल केमिस्ट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट। सेकेंड चैप्टर है बेटा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर।
द थर्ड चैप्टर इज पीरियोडिक टेबल. And fourth is chemical binding. And fifth is a redox chapter, redox reaction. And sixth is thermodynamics. And seventh is gaseous phase. And some one two other chapters. ये main chapters है बेटा. General chemistry and मूल concept. या concept of chemistry. Chemical mathematics है इसमें. तो बोले यार द वेरियस चैप्टर इंक्लूडेड इन फिजिकल केमिस्ट्री इन 11th पोर्शन. अब बात करें बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. स्टडी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट बेटा, स्टडी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, स्टडी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, स्टडी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, स्टडी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स. बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन. स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन क्योंकि बेटा हाइड्रोकार्बन इसमें एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, जो प्राइमरी नॉलेज आपने टेंथ में लिया हो. बहुत डिटेल है बेटा यहाँ. हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन करिए मेन थ्री चैप्टर्स इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनिक 11th केमिस्ट्री. अब देखिए बेटा, और यहीं से निकलता है बेटा 12th केमिस्ट्री. अगर आपको 11, 12 दोनों केमिस्ट्री ग्रिप करना है बेटा, 11th और 12th की दोनों केमिस्ट्री ग्रिप करना है कॉम्पिटिशन लेवल तक, कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्वेश्चनों तक, तो बड़े याद रखिए बेटा आपके जो टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बेटा जनरल केमिस्ट्री या जनरल और जनरल केमिस्ट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट. तो बड़े इस चैप्टर को हम लोग अभी काउंट नहीं करेंगे, अभी हम इसका स्टडी नहीं करेंगे. टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर है बेटा मोल कॉन्सेप्ट जनरल केमिस्ट्री. ओके, हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर से. अगर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर होगा देन पीरियोडिक टेबल क्लियर होगा. ये वन बाय वन एक प्रोसीजर है बेटा. एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर होगा देन पीरियोडिक टेबल क्लियर होगा देन केमिकल बाइंडिंग क्लियर होगी. और एक और चैप्टर बेटा हम लोगों को यहां छूट गया है जो 8th चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रिया. बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का बेहतरीन इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम. तो टोटल ऐसे 8 चैप्टर्स है बेटा अपने पास. ओके गाइस, ध्यान देना, बोर नहीं होना. बोर होना मना है अभी 11th क्लास से, थकना मना है 11th क्लास से, सजना मना है 11th क्लास से. एक से डेढ़ साल अंडरग्राउंड हो जाओ और पूरी लाइफ को जी लो अच्छे से. पूरी लाइफ को चार चांद लगाना बेटा तो 11th 12th में अंडरग्राउंड. 11th में बिल्कुल घर से बाहर निकलना नहीं है, स्कूल से घर तक की रास्ता पता हो बस आपको, स्कूल से घर तक की रास्ता. और एंड्रॉयड से दूर रहो. और एंड्रॉयड जब भी खोलोगे तो यूट्यूब पे जाकर आपको लेक्चर्स देखना है. एंड्रॉयड का आपका इतना ही उपयोग होना चाहिए, इतना ही यूज़ होना चाहिए. किसी अदर साइट में मत चले जाना, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको. एंड्रॉयड पूरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो सकता है अगर आप एंड्रॉयड में यूट्यूब पे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं. तो एंड्रॉयड का यूजफुल, एंड्रॉयड का यूज कैसे करना है वो आप सीख लीजिए अच्छे से. ठीक है गाइस. हाँ,
तुमने देखो द फर्स्ट चैप्टर आपका जो 11 केमिस्ट्री की बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर बेटा वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी जनरल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट, एंड सेकेंड चैप्टर बेटा टेक्स्ट बुक में एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड चैप्टर बेटा पीरियोडिक टेबल, फोर्थ चैप्टर बेटा केमिकल बाइंडिंग, और ऑर्डर के हिसाब से जो फिफ्थ चैप्टर है बेटा, ये फिफ्थ मान लो ऑर्डर के हिसाब से फिफ्थ चैप्टर, दिस सिक्स्थ चैप्टर, दिस सेवंथ, दिस एट्थ, और फिफ्थ चैप्टर है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो याद रखिए अगर आपको पूरी केमिस्ट्री क्लियर करना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बाइंडिंग एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ये फोर चैप्टर है बेटा, दिस फोर चैप्टर्स, ध्यान देना अच्छे समझना, दिस फोर चैप्टर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बाइंडिंग, केमिकल इक्विलिब्रिया, ये जो फोर चैप्टर्स है बेटा दे आर द फोर कॉलम ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के चार स्तंभ कहलाते हैं, चार कॉलम कहलाते हैं, जिन पर पूरी 11, 12 की केमिस्ट्री, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर खड़ी है, इस बात को याद रखना। तो आपकी एनर्जी पूरी की पूरी घुस जाना चाहिए इन फोर चैप्टर्स में, जब इन फोर चैप्टर का बेटा हम लोग स्टडी करेंगे बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इसका हाफ पार्ट है जिसमें हम लोग क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं, क्योंकि बेटा इसका 50% पार्ट तो 12th फिजिक्स में भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का 50% पार्ट 12th फिजिक्स में भी पढ़ना है आपको, लेकिन जो 50% अदर पार्ट है बेटा इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में क्वांटम नंबर से स्टार्ट होता है, वो पार्ट पूरी केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। याद रखना एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपका क्लियर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो एक टॉपिक है बेटा क्वांटम नंबर, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम नंबर टॉपिक आपका क्लियर होता है तो आपका पीरियोडिक टेबल क्लियर होगा, पीरियोडिक टेबल क्लियर होगा तो बाइंडिंग क्लियर होगी, ये वन बाय वन है बेटा, बाइंडिंग क्लियर होगी तो केमिकल इक्विलिब्रियम्स, रेडॉक्स चैप्टर, अदर चैप्टर, अदर 11, 12 के सभी चैप्टर्स आपके क्लियर होने वाले हैं भाई, इस बात को याद रखिएगा। ओके गाइस, ठीक है, अब इन्हें ध्यान दो, तो ये फोर चैप्टर है बेटा, विच फोर चैप्टर, यस एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बाइंडिंग, केमिकल इक्विलिब्रिया। यहां बेटा पूरी केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कॉन्सेप्ट इन फोर चैप्टर्स में है बेटा, इन फोर चैप्टर्स में। तो सबसे पहले बेटा हम लोग जो आपके टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट इन जनरल केमिस्ट्री, उसको अभी हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जब ये फोर चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, वोज फोर चैप्टर, विच फोर चैप्टर, यस एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बाइंडिंग, केमिकल इक्विलिब्रिया, उसके बाद आप बोलोगे सर मुझे ट्वेल्थ की केमिस्ट्री पढ़ा दो, मैं पढ़ा दूंगा आपको, क्योंकि क्लियर हो जाएगी बेटा। आप बोलोगे सर इनऑर्गेनिक पढ़ा दो, ऑर्गेनिक पढ़ा दो, कुछ भी पढ़ा सकता हूं मैं, जब तक ये फोर चैप्टर्स आपके क्लियर नहीं होंगे। फिर से इन फोर चैप्टर मैंने बोला ना बेटा कि ये फोर चैप्टर केमिस्ट्री के कॉलम है जिन पे पूरी केमिस्ट्री खड़ी है, 11 की, 12 की, कॉम्पिटिशन एग्जाम की। ओके, मजा ले ले भाई थ्योरी का, तो ध्यान दे बेटा। तो चलते हैं बेटा जो फर्स्ट चैप्टर हमारा आज प्राइमरी इंट्रोडक्शन लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके गाइस, ठीक, तुम्हारा नोट्स कैसे बनाना है उसके लिए आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, पूरी चीज बताई जाएगी, बीच में स्क्रीनशॉट लेना मीन्स पॉज करके आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझो तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम टू पार्ट में काउंट करेंगे बेटा, टू पार्ट्स में काउंट करेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। आपको मालूम बेटा कि एटम, एटम क्या है, व्हाट इज द एटम, यस एटम क्या है बेटा, इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द नेचर जो पूरे लिविंग और पूरे नॉन लिविंग को बना रहा है बेटा। एटम मिलकर ही पूरी लिविंग बॉडी हो चाहे कोई भी नॉन लिविंग बॉडी हो, इसके बेस में कौन है बेटा, एटम है। एटम ही मॉलिक्यूल बनाए, मॉलिक्यूल ही सब्सटेंस बनाए, अब वो सब्सटेंस लिविंग हो सकते हैं, नॉन लिविंग हो सकते हैं। तो एटम, व्हाट इज द एटम, पता है ना, एटम इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द नेचर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग बॉडी। आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं दिख रही है, प्लांट दिख रहे हैं, एनिमल दिख रहे हैं, वॉल है, ब्रिक है, स्टोन है, पत्थर है, रेत है,
जो भी दिख रहा है सबके बेस में, सबके आधार में है कौन बेटा? एटम। एटम ने ही उनको डिजाइन किया है। एटम बाइंड हो गए, मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल बाइंड हो गए, सब्सटेंस बनाए, और उन सब्सटेंस के डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स हैं। तो चाहे लिविंग बॉडी हो बेटा, चाहे नॉन लिविंग बॉडी हो, इन सबको ऑर्गेनाइज करने वाला, संगठित करने वाला कौन है? बेसिकली एटम है, द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द नेचर, जो पूरे यूनिवर्स को बनाया, पूरे नेचर को बनाया बेटा, होज एटम। इस बात का चाहे चाहे आप इन्वायरमेंट देख लो, एटमॉस्फेयर देख लो, ठीक है बेटा, हाइड्रोस्फीयर देख लियो, लिथोस्फीयर देख लियो, हैं। तो चाहे कोई भी लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, कोई भी थिंग्स हो, कोई भी मैटर हो, सबका बेसिक कंपोनेंट क्या है बेटा? एटम है। वही एटम मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, वही मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस या थिंग्स फॉर्म में आएंगे। ओके गाइस, याद रखिए बेटा, ठीक है। तो बेटा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले एटम को बनाने वाले पार्ट, एटम तो एक स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है, लेकिन एटम को भी कई पार्टिकल्स मिलकर, मेनली थ्री पार्टिकल्स मिलकर बेटा एटम को बनाते हैं। वो थ्री पार्टिकल आपको पता होंगे बेटा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बेटा ऑर्गेनाइज होकर एक एटम को डिजाइन करते हैं। फिर बेटा उस एटम के अंदर और भी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ जिक्र करेंगे। तो बेटा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम एंड एटॉमिक मॉडल। तो बेटा ये सब एटॉमिक मॉडल्स पढ़ना है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम पढ़ेंगे बेटा और एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे। एटॉमिक मॉडल में बेटा हम लोग पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आज फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट लेक्चर है, सब मेंटली प्रिपेयर हो जाओ और मजा लो भाई केमिस्ट्री का। तो बेटा एटॉमिक मॉडल्स में स्टार्ट होता है बेटा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बेटा सबसे पहले जो हमारे अंकल है कौन, थॉमसन, उन्होंने बेटा अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, एटॉमिक एटम के स्ट्रक्चर का एक डिजाइन दिया था, जो कंप्लीटली फ्लॉप रहा है, लेकिन स्टार्ट किया था बेटा उसने, उसको इज्जत तो देना पड़ेगा ना। सेकेंड है बेटा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बेटा रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, इसकी 10% चीजें आज भी सही है बेटा, मुझे 90% फ्लॉप है ये। कौन बेटा? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। थर्ड है बेटा बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तक करेक्ट है बेटा, 10% इसके भी फ्लॉप है। मतलब अभी तक जितने मॉडल है तो 100% फ्लॉप है बेटा, 100% रॉन्ग मॉडल है। कौन सा बेटा? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। फिर रदरफोर्ड ने बेटा बहुत कुछ सक्सेसफुल पॉइंट दिया था इसने, रदरफोर्ड ने बहुत ही काउंटेबल पॉइंट दिया, इसमें कुछ थ्योरियाँ आज भी सही है। रदरफोर्ड की क्या अचीवमेंट्स है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, वो सब हम लोग इन फ्यूचर पढ़ने वाले हैं। और थर्ड है बेटा बोहर से एटॉमिक मॉडल, बहुत स्टडी किया बेटा बोहर ने, बहुत वर्क किया है किस पर? एटम के स्ट्रक्चर पर, एटम के स्ट्रक्चर पर बहुत वर्क किया है किसने बेटा? बोहर ने। इसका 90% करेक्ट है बेटा मॉडल, मुझे 90% जो चीज़ें इसने बताया, जो थ्योरी इसने बताया, वो आज भी एक्सेप्टेबल है। ओके गाइस, और फिर है बेटा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। तो बेटा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जिसको अभी 99% करेक्ट तो बोल ही सकता हूँ, क्योंकि अभी भी काम चल रहा है एटम पे भाई। ओके बच्चे, बेटा जब मॉडर्न एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे हम लोग, तो यहीं से बेटा क्वांटम नंबर निकल के आएगा, और वही क्वांटम नंबर पूरी केमिस्ट्री की जान बनेगी आगे, पूरे बाइंडिंग के लिए, पीरियोडिक टेबल के लिए, एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, सब क्वांटम नंबर से क्लियर होता है बेटा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये चैप्टर को बेटा दो पार्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक तो पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, और सेकंड पढ़ेंगे बेटा वेरियस एटॉमिक मॉडल, जिसमें थॉमसन को पढ़ना नहीं है, जो कम्प्लीटली रॉन्ग है, उसको क्यों पढ़ने करे बाबा। ओके भाई, कहाँ से पढ़ेंगे बेटा हम लोग? रदरफोर्ड से, देन बोहर्स मॉडल, देन मॉडर्न एटॉमिक मॉडल।
और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के पढ़ने के साथ बेटा वहाँ से क्वांटम नंबर निकल के बाहर आएगा और वो क्वांटम नंबर हमारी केमिस्ट्री की जान बनेगी अदर चैप्टर्स के लिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इलेवंथ हो, चाहे ट्वेल्थ हो। तो ये बेटा एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर द फर्स्ट चैप्टर। ओके गाइस, अब बेटा बात करते हैं हम लोग, दिस अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। दूसरा एटम एक स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है, लेकिन वो मेनली थ्री माइक्रो पार्टिकल्स, मेनली थ्री माइक्रो पार्टिकल्स से मिलकर बनता है बेटा। वन एटम मेड अप ऑफ मेनली थ्री माइक्रो पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, ठीक है, इसको काउंट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए। आप वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, इसलिए यूट्यूब पे डाल रहे हैं बेटा, आप जब चाहे पॉज करके वीडियो अपना नोट्स लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं बेटा फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। यस, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, ध्यान दीजिएगा इधर, और ध्यान देना बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में क्या है उससे ज़्यादा हम लोग मतलब नहीं रखते। आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप बुक्स तो ले, कौन सी बुक लेना है बताऊंगा मैं पीरियड के लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में। ओके गाइस, और आपको क्या पढ़ना है वो हम डिसाइड करेंगे, बस आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, और जो पढ़ते हो उसी के बारे में सोचना है, क्योंकि आज का स्टूडेंट कर कुछ रहा है और सोच कुछ रहा है। आपका वर्क है पढ़ाई, तो सोचना भी पढ़ाई को है। आपका वर्क पढ़ाई है लेकिन सोचते आप दूसरे फील्ड की चीज़ों को, इसलिए आपका मेमोरी पावर वीक हो जाते हैं। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा। तो बेटा जिससे देखो बेटा, जो नाइन्थ में टेंथ में आपने एटम्स के बारे में पढ़े हो वो कुछ इस टाइप से पढ़े हो। तो बेटा एटम इसी टाइप के एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने नाइन टेंथ में काउंट किया हो तो बेटा, और उसके पहले जो लोअर क्लासेस थी उसमें भी एटम मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर। तो एटम का बेटा ये सेंटर पार्ट है बेटा, हाईली डेंस पार्ट है, पूरे एटम के कंपेयर में हाई ये सेंटर पार्ट है बेटा, हाईली डेंस पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं बेटा आप, न्यूक्लियस, दिस अ न्यूक्लियस। और बेटा अराउंड द न्यूक्लियस वेरियस सर्कुलर पाथ प्रेजेंट। ये बेटा एटम का जो वाला स्ट्रक्चर आप नाइन टेंथ और लोअर क्लास में दिमाग में रखे हो, लेकिन एक्चुअल ये स्ट्रक्चर नहीं है बेटा एटम का, इससे भी डिटेल स्ट्रक्चर में घुसना है इलेवंथ क्लास में हमें। तो वन बाय वन कैसे पहुंचेंगे वहाँ, वेट एंड वॉच, पेशेंस रखिएगा और अपने रूटीन बना लीजिए बेटा आप। तो ध्यान दीजिए बेटा, इट इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ एटम, दिस कॉल्ड न्यूक्लियस। बेटा एटम का सेंटर पार्ट इसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस। इन अराउंड द न्यूक्लियस वेरियस सर्कुलर पाथ प्रेजेंट। बेटा अराउंड द न्यूक्लियस वेरियस सर्कुलर पाथ प्रेजेंट, पता है आपको इट्स कॉल्ड सेल। ओके गाइस, तो बेटा न्यूक्लियस एंड दिस सेल। बेटा अब थ्री पार्टिकल्स बना रहे हैं एटम को, थ्री पार्टिकल पूरे एटम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो विच थ्री पार्टिकल बेटा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, दिस थ्री पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीन पार्टिकल बेटा जो एटम पूरे एटम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की पोजिशन आपको कहाँ लगाना बेटा, अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेल। इलेक्ट्रॉन की पोजिशन इन द एटम, अराउंड द न्यूक्लियस इन सेल। ओके गाइस, और न्यूक्लियस में बेटा दो पार्टिकल्स होंगे, न्यूक्लियस कंसिस्ट टू पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो बेटा ऐसे थ्री पार्टिकल्स है। ओके गाइस, ऐसे थ्री पार्टिकल्स है बेटा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल, इलेक्ट्रॉन बेटा सेल में होते हैं और कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन करते हैं। ओके गाइस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बेटा मोशन नहीं करते हैं,
वो न्यूक्लियस में फिक्स होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फिक्स्ड इन न्यूक्लियस। तो याद रखना बेटा, ये जो न्यूक्लियस है इसका भी एक टॉपिक है 12th फिजिक्स में। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल न्यूक्लियस का स्टडी है बेटा 12th फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में। और हम लोग केमिस्ट्री में ये सेल का स्टडी, सेल से ही तो पूरी केमिस्ट्री डिसाइड हो रही है बेटा। वेरियस एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल। ध्यान दीजिए इस बात को। तो बेटा ये जो सेल है बेटा, सेल इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट है, और न्यूक्लियस के बाहर का जो पार्ट है एटम में, न्यूक्लियस के बाहर का जो पार्ट है मीन सेल, वही एटम के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है बेटा। सेल में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। मीन्स आप बोल सकते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ही उस एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। ओके गाइस, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है बेटा, तो बेटा दिस थ्री फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बेटा जो टू पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दिस कंबाइंडली कॉल्ड न्यूक्लियॉन। बेटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कंबाइंडली क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियॉन मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन। ओके गाइस, द न्यूक्लियर एक न्यू टर्म है बेटा, इसको काउंट कर लीजिएगा। ओके तो ये है बेटा एटम का स्ट्रक्चर, जो आपने इसके पहले की प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एक प्राइमरी स्ट्रक्चर माना जाता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर अभी आने वाले हैं जब हम लोग एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे। ओके गाइस, ठीक है। तो बेटा आप जो थ्री फंडामेंटल पार्टिकल है बेटा, कौन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दिस थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। बेटा इन तीन पार्टिकल के अलावा भी एटम में कुछ अदर पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं बेटा। एटम से अल्फा, ध्यान दीजिए बेटा, बीटा एंड गामा, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, यहां तक जाना है बेटा हमको। बेटा फंडामेंटल पार्टिकल तो थ्री है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बट कुछ अदर पार्टिकल्स भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होते हैं। सम अदर पार्टिकल आल्सो प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जबकि बेटा न्यूक्लियस में तो दो ही पार्टिकल इमेज करते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। लेकिन बेटा इनके डिसोसिएशन आर एसोसिएशन, इनके टूटने से या जुड़ने से, ध्यान दे भाई, इनके टूटने से या जुड़ने से एटम के अंदर विद इन न्यूक्लियस, एटम के अंदर विद इन न्यूक्लियस अदर पार्टिकल भी प्रोड्यूस सकते हैं। वो कौन से पार्टिकल है बेटा, अल्फा बीटा ड्यूट्रॉन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। ये बेटा न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ही बाद में गामा पार्टिकल्स के रूप में एक्सपोज होते हैं। तो बेटा ये अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दीज आर कॉल्ड, देखो बेटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल, और बेटा अल्फा बीटा ड्यूट्रॉन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो दिस एक्सेस पार्टिकल आल्सो प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। हाउ, कैसे, ड्यू टू द डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। तो बेटा ये चीज आज की, आज का लेक्चर मैं बड़ा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, आपके कमेंट आना चाहिए बेटा, मैं यूट्यूब पे इसे डालूंगा कि आपको और क्या चाहिए, क्या ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए कि ज़्यादा हिंदी चाहिए कि दोनों मिक्स चाहिए, सब बता दीजिएगा मुझे। थ्रू आउट इंग्लिश बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्रू आउट हिंदी बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स बोलोगे जैसा मैं मिक्स अभी पढ़ा रहा हूँ, और मैं मिक्स को ज़्यादा प्रिफर करता हूँ, क्योंकि बेटा साइंस समझ में आना चाहिए, केमिस्ट्री समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई, तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इस बात को याद रखिए, ठीक है बेटा। तो बेटा ये बेसिक चीज़ें बताया मैंने आज। तो बेटा हम लोग सबसे पहले इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को पढ़ेंगे वन बाय वन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज क्या है, इंडिविजुअल चार्ज क्या है, इंडिविजुअल मास क्या है, ये सब आपको बताया जाएगा। ओके गाइस, याद रखिए बेटा, ठीक है।
बाय, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।